राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन 2.0 में। सो अभी हमने मतलब लास्ट सीन देखा है कैथी मूवी का। तो तब तक मतलब वो एक मास इंट्रोडक्शन सीन था जिसमें आपने देखा है कि जो शिवा का कैरेक्टर कर रहे कच्ची सर, वो अपनी बेटी को मिलने जा रहे हैं 10 सालों के बाद, क्योंकि वो 10 साल तक जेल में थे, और वही उनको पुलिस इंस्पेक्टर मिल जाते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर बिजॉय मिल जाते हैं और वो ड्रग पेडलर को पकड़ने जा रहे हैं, और अब उसमें उन्होंने इनको भी इन्वॉल्व कर दिया। और वो बोलते हैं उनको कि भाई आप ट्रक चलाइए। हाँ, ट्रक चलाने के लिए। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर पुलिस वाले दारू पिए हुए थे और एक अपराधी ने उनकी मदद की, क्या ये खबर भी छपेगी? अपनी बेटी से मिलना चाहता है कि नहीं? म्यूजिक बहुत तगड़ी लगती है। इसको नींद नहीं आ रही बेटी को, कि कौन आने वाला है सुबह। दीदी, क्या हुआ? सुबह के 10 बजने में अभी कितने घंटे बचे हैं? पहले ये घड़ी छोड़ो और चुपचाप सो जाओ। अगर मैं मां गई तो तुम्हारी खैर नहीं। वेट कर रही है। क्या बात है, चेक कर रहे हैं सारे प्लेट। ए, तू लॉरी चलाना जानता भी है या नहीं? बता रहे हैं टेस्ट ड्राइव। उनके वो मतलब उनके चेहरे पे बहुत अलग ही वो आ रहा है, जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं वो डरा होता है। क्या हुआ सर? इसका ब्रेक ठीक नहीं है, चारों चक्के हिल रहे हैं और गियर भी जाम है। पता नहीं 80 किलोमीटर तय कर पाएगी या नहीं। सर सर सर, लॉरी एकदम टकाटक है, इसका हार्ट किडनी लीवर सब फिट है, इसको चलाने नहीं आती। लॉरी एकदम चकाचक है, इसको लॉरी देना खतरे से खाली नहीं है सर। तू कौन है? सर मैं इस लॉरी का क्लीनर हूँ सर। सर इसको अंदर बाहर एकदम अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक है, बकवास बंद करो, कुछ ऐसा कहा जाए वैसा करो। ठीक है, तरफ खड़े रहो। ठीक है ठीक है ठीक है। लोग सारे पुलिस ऑफिसर्स को लॉरी मिला दो। ओके सर। ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है। अगर तुम लोगों ने गलती से भी ऐसा किया। सारे ऑफिसर्स समझ गए, सब जाओ। ठीक है सर। तो ये अकेले किधर जा रहे हैं? अभी पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। अर्जुन, और क्या क्या रिएक्शन हो रहे? पल्स बहुत तेज चल रहा है और हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों को खून की उल्टियाँ हो रही है। ओके। कुछ लोगों के कान से खून बह रहा है। बहुत सीरियस मामला है। ओके ओके, मेरी बात सुनो। तुमने सेडेटिव ड्रग्स ब्रोटिजोलैम, मेटाजोलैम, केटामाइन और रॉयबिनॉल के बारे में सुना होगा। अगर अल्कोहल के साथ में मिला दिया जाए तो रिएक्शन हो सकता है। अगर 5 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो गई तो बच सकता है, अगर नहीं तो जान का खतरा है। कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर, मैं हाईवे से होते हुए नहीं आ सकता। किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं फिलहाल इसके बारे में समझा नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी लोकेशन भेजिए डॉक्टर, मैं फटाफट आता हूँ। ओके, जल्दी आओ। विघ्नेश सर, मेरा बैग अंदर रख दो और देखो हमारे पास कितने मिनट की एक्स्ट्रा की जरूरत होगी। बिरयानी खा रहे हैं।
मुझे भूख लग रही है। पीछे सारा टेंशन चल रहा है। ये अपने आराम से खा रहे हैं। बहुत टाइम बाद इतना अच्छा बिरयानी मिला होगा। जेल में तो मिलता नहीं है ना। कोई इसे बंद करो ना यार। बटन दबा दो ना। अरे पहला बटन सर। हाँ हाँ। हेलो बोलिए सर। एक बात बताओ, कमिश्नर ऑफिस में अभी तुम कितने लोग ड्यूटी पर? मैं हूँ और तीन कॉन्स्टेबल है नाइट ड्यूटी वाले। और ऑफिस में? ऑफिस के सारे लोग जा चुके हैं। लॉकअप में बंद आरोपियों के अलावा और भी कोई है क्या वहाँ पर? ड्रंक एंड डांसिंग के इल्जाम में पकड़े हुए चार स्टूडेंट्स हैं सर। ठीक है, दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो, ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को अपने यहाँ बुला लो, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। सबको अंदर लेने के बाद सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना, समझ गए? समझ गया, लेकिन दरवाजे विरवाजे क्यों बंद करने हैं सर? ए, सवाल मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जल्दी जल्दी सबको अलर्ट कर दो। ठीक है, सब कंफ्यूजन में क्या हो रहा है? श्यामपुरम पुलिस स्टेशन, मैं कमिश्नर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर है वहाँ पर? मुरली सर है क्या? वो यहाँ नहीं है सर। थाना इंचार्ज है क्या? अभी तक वो आए नहीं है। थोड़ी देर पहले आकर चले गए, थाने में कोई नहीं है। उनका मोबाइल नंबर दीजिए ना। हाँ लिख लो, उनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। उनके मैसेज में आईजी गेस्ट हाउस लिखा था। बस इतना ही लिखा था क्या? इस बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। वहाँ पुलिस स्टेशन में कितने लोग हैं? बस मैं और एक पुलिस कांस्टेबल है सर। जैसे ही वो वापस आते हैं उन्हें बोलो फोन करें। ठीक है सर, बोल दूंगा। इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं और हमें इस जगह जाना, लगभग 80 किलोमीटर दूर, लेकिन हम हाईवे से नहीं जा सकते। हमें भीमा शंकर शॉर्टकट लेना होगा और इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना होगा, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस जाना होगा। तुम्हें रास्ता बताना, जब चलेंगे तब आप रास्ता बताते रहना, हम मैप को फॉलो करेंगे। यहाँ कोई लोकल है क्या? बताने का रास्ता मालूम है? ऐसा कोई रास्ता नहीं जो मुझे ना मालूम हो। गूगल मैप से भी ज्यादा रास्ते जानता हूँ मैं। एक दूसरा सॉलिड शॉर्टकट है वहाँ तक पहुँचने का। तुझे रास्ता पता है? माधवरम से होते हुए देवचेरी, अवमपेत्ती, फिर तित्तकोडी, फिर उधर से लॉरी जा सकती है? वहाँ से लॉरी अलाउ नहीं है, सिर्फ मेरी वाली को छोड़ के। वहाँ पर दो चेक पोस्ट है, उन लोगों को थोड़ा खिला दिया तो वहाँ से जा सकते हैं। इसे भी साथ ले लो सर। क्या कहा? रास्ता बताने वाला चाहिए। लॉरी में बैठ जा सर। आपने मेरी लॉरी इन लोगों को बिना परमिशन के दे दी है। अगर आप मेरी लॉरी ले जाएंगे तो मैं केटरिंग का सामान वापस कैसे ले जाऊंगा सर? मेरे पैसे क्लियर कर दीजिए सर। ज्यादा चूचा मत कर, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ। 40 पुलिस वाले बेहोश हो गए, क्या मिलाया था खाने में? तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा, फिर खिलाते रहना खाना वहाँ पर। बैठ चुपचाप। खुशबू ले रहे सर। उस आदमी ने बाल्टी भर के बिरयानी खाया और चौड़ा होकर ड्राइवर सीट पर बैठा है। इतना खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, हम लोग सबके हिस्से की बिरयानी अकेला खा गए सर। अरे तू भी साथ चला जाना, अपनी लॉरी सुरक्षित रहेगी। चुप, नहीं लेने गई लॉरी। और कुछ लोग इनको मारने के लिए भी आ रहे हैं, पुलिस वालों को। कुछ लोग ड्रग देने जा रहे हैं। सो गाइस, ये था कैथी का मतलब बिरयानी सीन। और इसके अंदर मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि 10 साल से मतलब एक बंदा जेल में है, तो उसको खाना तो आपको बताइए कि कैसा मिलता हुआ। बिरयानी चिकन बिरयानी, और फिर वो दबा के पूरा एक पूरा बाल्टी भर के आराम से। सबको टेंशन हो रही है कि पुलिस पर कैसे लेके जाना है, वहाँ पे वो मतलब गुंडे आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन सर को कोई टेंशन नहीं है। पहले आराम से, और फिर आपको जहाँ चलना है आप बोल देना, मैं चल लूंगा। पहले आराम से बाल्टी भर के बिरयानी खाइए दबा के, और फिर जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ गए। उन्हें पता है कि अब पता नहीं आगे मतलब पुलिस वालों के पंगे में पड़ तो गए, तो अब आगे कब खाना मिलेगा, कब पहुंचूंगा। पता नहीं था तो बोले खाना खा लो, और मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद वो बस भी लगाते हैं। हाँ। तो वो भी मतलब लॉर्ड शिवा के भक्त दिखाए हैं, ऐसा लग रहा है इसमें। ये सीन जो है ना उसमें और पहले वाले सीन में जो एकदम सस्पेंस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो सच में इतना सही लगता है ना। अब वो चलते हुए दिखाते, तब तक सभी सोचते कि अब ये कहाँ जा रहे थे, भाग तो नहीं रहे, इधर उधर कहीं चले देंगे। नहीं, उनको बस खुशबू आई जो बिरयानी दिखे ना, वो बहुत नेचुरल एक अलग टाइप की एक्टिंग है कि हम सोचते हुए मजबूर कर देते कि अभी ये क्या सोच रहे हैं, अभी क्या करने वाले हैं, क्या एक्सप्रेशन नहीं दिखा, ब्लैंक।
हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो अब आगे क्या करें। बहुत ही तगड़ा लग रहा है उनका लुक। सच में जल्दी से आप सब निकल रहे हैं वहाँ से, क्योंकि पांच घंटे डॉक्टर ने बोला, पांच घंटे के मतलब अंदर अंदर इनका ट्रीटमेंट। और ये तो हो नहीं पा रहा है कि आगे विलेंस वेट कर ही रहे होंगे, तो कैसे वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचेंगे, कैसे वो जल्दी जल्दी कमिश्नर ऑफिस भी पहुँचेंगे। वो मतलब उसके ऊपर हम जल्दी से रिएक्शन लेके आएंगे। बाकी ये भी सीन काफी खतरनाक लगा, कमाल का लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल को यूं बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।